अच्छा आवाज आ रही है। तो 31 तारीख को, 31st को क्या है? निर्जला एकादशी है। तो निर्जला एकादशी कैसे करना है जिससे हमारा मन स्थिर, शांत और सुखद रहे, शरीर किसी प्रकार की कष्ट ना प्राप्त करे, और जब शरीर और मन दोनों शांत, स्थिर और सुखपूर्वक रहेगा तो एकादशी अच्छा भजन भक्ति पूर्वक रहेगा, है कि नहीं? तो कैसे एकादशी किया जाए, क्योंकि बाकी एकादशी में तो लोग खा पी लेते हैं, थोड़ा बहुत फल खा लेते हैं, पानी पी लेते, जूस पी लेते, और कुट्टू के आटे की पकौड़ी बना के खा लेते, आलू पनीर बना के खा लेते टमाटर डाल के बाकी एकादशी में। लेकिन यह एकादशी खास कर निर्जला एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी। जो कोई पूरे साल में एक भी एकादशी छोड़ दिया हो या एकादशी व्रत भंग हो गया हो जाने अनजाने में, तो सिर्फ यह एकादशी जो निर्जला एकादशी है, इस निर्जला एकादशी को कर लेने से सभी एकादशी को करने का फल मिल जाता है। इसलिए इस एकादशी का नाम ही है पांडव निर्जला एकादशी। अर्थात अगर इस एकादशी के दिन फल खा के किए तो निर्जला एकादशी हुआ ही नहीं। तो यह एकादशी बाय डिफॉल्ट निर्जला है, मतलब बिना पानी का ही एकादशी करना है। पानी पी लिया तो एकादशी भंग हो गया है। तो कैसे करना है, मैं थोड़ा इसके बारे में जानकारी दे दूं या ना दूं? जानकारी दे दूं? आप में से कितने लोग हैं जो निर्जला एकादशी करना चाहते हैं या करेंगे? करना चाहिए भी सबको, ठीक है ना? तो क्या करना है निर्जला एकादशी में, जैसे 31 तारीख को निर्जला एकादशी है, तो 30 तारीख को हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग 30th May 2023 को हम लोग 12 बजे तक, 12:30, 1 बजे तक भोजन कर लेंगे एक बार बस, हैं? अपना जो ग्रेन मील्स है, चावल दाल रोटी सब्जी मटर पनीर जो खाना है हम खा लेंगे 30 तारीख को, एक बार भोजन कर लेंगे। और 30 तारीख के दिन 12 बजे 1 बजे लंच के बाद कुछ भोजन नहीं करना है, सिर्फ जल आहार लेना है, वाटर लीजिए बस, सिर्फ पानी पीजिए, और आपका फास्टिंग वहीं से चालू हो गया। तो वो फास्टिंग हुआ वाटर फास्ट। तो आप खाना खाएंगे, हम 2 बजे 1 बजे लंच हम कर लेंगे, उसके बाद खाना बंद, उसका सिर्फ पानी चालू, पानी पीते रहिए पीते रहिए पीते रहिए, प्यास लगे तो पीते रहिए, मतलब पानी पीना है मतलब। और यह पानी पीने की सिलसिला एकादशी जब शुरू होगा अगले दिन सूर्योदय से 3 घंटा पहले, 3 घंटा नहीं, सूर्योदय से 2 घंटा पहले हम लोग पानी पीना बंद कर देंगे। तो उससे पहले तक पानी पी सकते हो, जैसे सनराइज, सूर्योदय कितने बजे हो रहा है? सूर्योदय हो रहा है 5:23 पे सूर्योदय हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो 5:30 बजे 5:30 सूर्य सनराइज हो रहा है, तो 3:30 के बाद हम लोग नहीं पियेंगे पानी, 3:30 4 o'clock के बाद पानी नहीं पियेंगे, 4 o'clock के बाद। मैं बताऊंगा क्यों 4 o'clock के बाद। और 4 o'clock तक आप उठ के पानी पी लीजिए, खूब जम के पानी पी लीजिए। जो कल आपने भोजन किया है, मतलब 30 तारीख को जो आप भोजन करोगे वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा मॉर्निंग 3 o'clock तक, क्योंकि 1 बजे ना भोजन करोगे तो 1 बजे से 1 बजे रात कितना हो गया, 12 घंटा, और फिर 1 बजे से 4 बजे तक, तो तकरीबन 15 घंटा हो जाएगा। 15 घंटा इज सफिशियंट टाइम टू डाइजेस्ट द फूड। जब भोजन एक बार डाइजेस्ट हो जाएगा तो शरीर में
डाइजेशन की क्रियाएं खत्म हो जाएगी और आपके बॉडी को वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगा, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरे दिन पानी नहीं भी सप्लाई दिया तो आपको ट्रबल नहीं होगा। इसलिए पानी, आप भोजन को डाइजेस्ट कर दीजिए। उसके लिए, कंप्लीट डाइजेशन के लिए हमने एक दिन पहले लंच भोजन कर लिया था, उसके बाद भोजन नहीं करना है। रात में भोजन नहीं करना है, शाम को भोजन नहीं करना है, लेट नाइट भोजन नहीं करना है, 30 तारीख को दोपहर तक भोजन करना है। वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा 1 बजे तक। सुबह उठिए 3-4 बजे और बढ़िया से जम के पानी पी लीजिए, तो पूरे दिन में वाटर की जितनी कमी होगी वो आपके बॉडी में आपने सप्लाई कर दिया। और 4 साढ़े 4 के बाद आप बंद कर देंगे पानी पीना, क्योंकि सूर्योदय हो जाता है तकरीबन, वास्तव में जो सूर्योदय होता है उससे आधा 1.5 घंटा पहले सूर्योदय होना चालू होता है, तो सूर्योदय होने लग जाता है 4:30 के बाद से। तो वहां से हम लोग पानी पीना बंद कर देंगे। पानी का स्टॉक पहले ही ले लिया हमने खूब बढ़िया से। और अगले दिन क्या होगा, अगले दिन जब पानी से व्रत खोलेंगे, पूरा एकादशी निर्जला रखेंगे, द्वादशी के दिन जो है आपको पहले गुड़ नींबू पानी के घोल को पी करके ब्रेक करना है। निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है उसको ब्रेक कैसे करते हैं, जल पी करके। अगर आपके आसपास में नारियल पानी है तो नारियल पानी भी पी सकते हो, नारियल पानी उपलब्ध हो तो पी सकते हो, नहीं तो सिंपली गुड़ पानी नींबू मिला के पहले पी लेना ठंडा ठंडा, ठीक है। और उसके बाद, पानी पीने के बाद तुरंत भोजन मत करना। और उसके बाद पहले क्या करना, व्रत को खोलने के लिए कोई एक चावल का दाना ले लेना, कोई अन्न का एक दाना ले लेना, बस व्रत खुल गया। और व्रत खोलने के बाद जो पहला भोजन होगा वो होगा खिचड़ी। पहला भोजन क्या होगा, खिचड़ी। एकदम साधारण सी खिचड़ी बनाइए और खूब घी डाल के आप वह भोजन कीजिए। और फिर द्वादशी के दिन शाम से आप अपना नॉर्मल भोजन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया एकादशी के एक दिन पहले की तैयारी, एकादशी के दिन की तैयारी, एकादशी के अगले दिन की तैयारी। समझ गए? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, तो मैं शायद क्लियर करूं। सबको समझ में आया? हरे कृष्णा, क्लियर है? तो हाँ जी, ऐसे ही करवाइए जैसे मैंने कहा, क्योंकि भोजन अगर 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 बच्चा है, अगर बच्चा है तो बच्चे की डाइजेशन अच्छी होती है, तो बच्चे को आप शाम को भी खिला दोगे तो भी चलेगा। शाम को खिला दिया तो बच्चा अगर डाइजेशन फास्ट रहता है तो वो सुबह तक पच जाएगा, लेकिन हम लोगों का डाइजेशन इतना फास्ट नहीं है। और इसलिए हम लोगों को देखो, द्वादशी, एक बात ध्यान रखो, निर्जला एकादशी के बाद द्वादशी फिस्ट मत करना, दशमी को ही फिस्ट कर लो, अर्थात 30 तारीख को ही 12 बजे फिस्ट कर लो, बढ़िया से राजभोग खा लो। जो भी फिस्टिंग करनी है एकादशी के दिन कर लो, सॉरी दशमी के दिन कर लो, 30 तारीख को कर लो। 31 को एकादशी है तो 30 तारीख को खूब फिस्ट कर लो, 12 बजे तक खा लो, 1 बजे तक खा लो, उसके बाद बंद कर दो खाना, सिर्फ जल पे रहो सुबह तक। और अगले दिन निर्जला है ही, और द्वादशी के दिन फिस्टिंग नहीं करनी प्लीज, निर्जला उपवास के बाद फिस्टिंग नहीं करना, खूब ऑपुलेंटली भोजन नहीं करना, खिचड़ी खाओ। हैं? देखो, बच्चे को, बीमार को व्रत नहीं भी करे तो चलेगा, इसलिए आप बच्चों को परेशान मत कीजिए। बच्चा कर सके तो कीजिए, जितना कर सके तो करिए, ना कर सके तो कोई बात नहीं है, है कि नहीं? बच्चा और बूढ़ा, बीमार, ये तीन व्यक्ति जो है अगर शरीर से असमर्थ है तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एकादशी व्रत का पालन। और अब मैं बता रहा हूं आपको कि इसके पीछे साइंस हमने समझा दिया है कि क्यों हम एक दिन पहले भोजन करेंगे।
12 बजे 1 बजे भोजन क्यों रोक देंगे? अगर मान लो इफ इफ अगर आप रात में भोजन कर लिए तो उसको पचने में फिर लगेगा अगले 10 से 12 घंटे। तो पचने के समय में पानी की आवश्यकता होती है, भोजन जब डाइजेस्ट होता रहता है तो वाटर की आवश्यकता होगी, तो वाटर की जो आवश्यकता होगी तो डाइजेशन में वाटर चला जाएगा, फिर आपको प्यास लगेगा तो पानी की रिक्वायरमेंट होगी, पानी नहीं दोगे तो आपके ब्लड से पानी खींच लेगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, सर दुखने लग जाएगा, एकादशी हो जाएगा बेकार, न भजन कर पाओगे न कुछ कर पाओगे। जैसे ही निजला में आपका सर दर्द करने लगा तो समझिए आप फिर जबरदस्ती कर रहे हो, आप माला नहीं कर सकोगे, आप भगवान का भजन नहीं कर सकोगे, आप बस जबरदस्ती सर दर्द लेके परे रहोगे और इंतजार करोगे कब पारण होगा और हम जो है ना भोजन करेंगे, हैं? तो ये व्रत नहीं हुआ। इसलिए साइंस को समझिए कि एक दिन पहले अगर हम भोजन बंद कर देंगे करना 12-1 बजे तो हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा रात को 12 बजे तक, और डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो पानी पिएंगे सुबह सुबह वह पानी हमारे ब्लड में भरा रहेगा, तो ब्लड से पानी निकलेगा नहीं, पानी की जरूरत पड़ेगी नहीं। प्यास कब लगता है? जब ब्लड से पानी कम होता है, जब ब्लड से पानी का लेवल डाउन होता है तो प्यास लगता है। तो पहले ही हमने भोजन डाइजेशन में है नहीं तो, और हमने पहले पानी का स्टॉक ले लिया है सुबह सुबह 4 बजे से पहले पहले, तो पूरे दिन आपको पानी की रिक्वायरमेंट बॉडी नहीं करेगा। अनटिल अनलेस आप बहुत एक्सरसाइज ना करो, निजला एकादशी बहुत काम ना करो, बहुत दौड़ भाग मत करो, पसीने मत निकालो, पसीना निकालोगे तो फिर पानी की आवश्यकता होगी, डिहाइड्रेशन होगा, बॉडी हाइड्रेट रखो, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा ठंडे वातावरण में रहो, बार बार स्नान करो, हैं? और जो है बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए, है कि नहीं? तो एकादशी निजला एकादशी के दिन अधिक प्रयास नहीं, अधिक काम नहीं, अधिक शरीर का चालन संचालन नहीं, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स रहिए, बैठे हुए भजन कीजिए, माला कीजिए, लेट जाइए थोड़ा माला कीजिए, ठीक है? मतलब ऐसा कोई कार्य मत करिए जिसमें पसीना निकले, प्यास लगे, ये हो वो, तो डिस्टरबेंस हो जाएगी, तो ये सब ध्यान देना है। और अब मैं बताऊं इस सूर्योदय से 3 घंटे, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले मैं क्यों कह रहा हूँ पानी पी लेने के लिए, 5:30 में सूर्योदय है लेकिन 4 o'clock ही मैं क्यों कह रहा हूँ पानी पी लेने के लिए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि सनराइज 5:30 में होता है, ये जानते हैं ना हम लोग, लेकिन एक्चुअली में सनराइज शुरू हो जाता है 4 o'clock से। तो पहला सनराइज होता है जिसको बोलते हैं नॉटिकल सनराइज, दूसरा होता है एस्ट्रोनॉमिकल सनराइज, तीसरा होता है सिविल सनराइज, और चौथा होता है ऑफिशियल सनराइज। सो 5:30 में ऑफिशियल सनराइज है। उससे पहले एक सनराइज होता है जो सूरज नहीं होते हैं लेकिन प्रकाश होता है, जिसको ट्वीलाइट कहते हैं, ट्वीलाइट, तो ये 25-30 मिनट का होता है। तो सनराइज से पहले होता है ट्वीलाइट सनराइज, उसको बोलते हैं सिविल सनराइज, और सिविल सनराइज से पहले होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल सनराइज आधा घंटा पहले, और एस्ट्रोनॉमिकल सनराइज से पहले होता है नॉटिकल सनराइज, जो समुद्र में जो जहाज होते हैं ना उनको दिखता है नॉटिकल सनराइज। तो सनराइज एक्चुअली हमको दिखने में 5:30 होता है तो एक्चुअली वो 4 o'clock से शुरू हो जाता है, आधे घंटे के बाद दूसरे तीसरे चौथे। आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि सनराइज 4 प्रकार के होते हैं? कितने लोगों को मालूम है सनराइज 4 प्रकार के होते हैं, बताओ? या कितने को मालूम पहली बार हुआ है कि सनराइज 4 प्रकार के होते हैं? जी हाँ, पहली बार हुआ। ओह राम राम राम, आपको मालूम ही नहीं था कि सनराइज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सनराइज। जी नहीं, अच्छी बात है, चलो देर आया दुरुस्त आया, पहली बार पता चल गया, पता तो चल गया, कितने लोगों को तो पता ही नहीं है, जिंदगी भर शरीर छोड़ देगा फिर भी पता नहीं है। तो नॉटिकल सनराइज, एस्ट्रोनॉमिकल सनराइज है, अरे ठीक है भैया, आप पैसे कमा रहे हो, हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं, तो पूरी जिंदगी हमने पढ़ाई में बिता दिया ना, पैसे थोड़ी नहीं कमाए।
नौकरी थोड़ी ने की। तो कहने का तो ये है कि पढ़ोगे तो ज्ञान होगा। तो नॉटिकल सनराइज, एस्ट्रोनॉमिकल सनराइज, सिविल सनराइज और ऑफिशियल सनराइज। तो इसलिए सनराइज से पहले 4 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, 4 बजे से पहले पहले कर लेना, क्योंकि 4 बजे के बाद आप मत पानी पीना, क्योंकि सनराइज हो गया रहेगा। ठीक है? हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत कीजिए, निर्जला एकादशी व्रत। होप योर निर्जला एकादशी व्रत विल बी वेरी कंफर्टेबल। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है उनके केस में मैं क्या कहूं, लेकिन कोशिश करो, डायबिटीज वाले लोग भी अगर ऐसे करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी, फॉर श्योर। हाँ, अगर डॉक्टर ने डरा दिया हो तो अलग की बात है, लेकिन डायबिटीज के लोग अगर भोजन ना करे, पानी पे रहे, तो शुगर ट्रिगर नहीं होता है, नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। तो पिछले बार कई लोगों ने, मैं 4-5 साल से ये बातें बताते आया हूँ, तो कई लोग तो डायबिटीज वालों ने भी किया है, तो कह रहे हैं प्रभु जी मैं तो बड़ा अच्छा हो गया, बहुत ठीक हो गया मेरा निर्जला एकादशी, और जो कभी नहीं हुआ था वैसा हो गया, बढ़िया हो गया। कीर्तन वर्तन सब करते रहे, मंदिर में सेवा किया, फिर भी कुछ पता नहीं चला। तो ये ऐसा भी फीडबैक था। तो ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी, किसी को अगर डायबिटीज है तो भी डरो मत, बाकी अगर डर है तो फिर जो डर गया सो मर गया, और जो मर गया सो क्या कोई व्रत करेगा, है कि नहीं? लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर ये है कि रिस्क ना लो, अपने डॉक्टर से बात कर लो, आप तब तक करते रहो जब तक आपको जमे, जब तक नहीं जमता है तब तक आप वो कर सकते हो। हमारी बातों के ऊपर जिद मत ठानना, अपने शरीर की एबिलिटी को देखते हुए, अपने शरीर की क्षमता को देखते हुए फॉलो करना। स्वस्थ हो या बीमार हो, ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो मेरे इस इंस्ट्रक्शन से आपको कोई हानि नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, नहीं हुई है, अगर होती है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। ठीक है, इतना ही आज के लिए, फिर मिलेंगे कल। हरे कृष्णा।